हेलो क्लास 9। चलिए अब हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर उसको पढ़ते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आप समझ ही रहे हो, ऐसी एक्टिविटी जो कि खेती से संबंधित ना हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है पालमपुर में। We have learned about farming as the main production activity in Palampur. वैसे तो खेती करना main जो production activity है पालमपुर का वो है। We shall now take a look at some of the non-farm production activity. अब हम थोड़ा सा उन activities पर नज़र डालेंगे जो कि non-farming activity है। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activity other than agriculture. सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो कि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, यानी वो खेती नहीं करते। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी आ जाती है डेयरी की। डेयरी आप समझते ही हो, जिसमें कैटल को पाला जाता है। द अदर कॉमन एक्टिविटी, यानी कि पालमपुर का दूसरा सबसे कॉमन एक्टिविटी डेयरी है। डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। ये कई परिवारों की कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन द वेरियस काइंड ऑफ ग्रास। लोग जो है भैंसों को उन्होंने पाल रखा है और उसको घास खिलाते हैं। द ज्वार एंड द बाजरा, इसके अलावा वो ज्वार और बाजरा भी खिलाते हैं। दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि ज्वार और बाजरा बहुत आसानी से बरसात के मौसम में उग जाता है। मिल्क इज सोल्ड इज रायगंज, और जो भैंसों से दूध प्राप्त होता है वो उसको रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। द नियर बाई लार्ज विलेज, रायगंज जो है पालमपुर का सबसे करीबी बड़ा गाँव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। दो व्यापारी ऐसे हैं शाहपुर में टाउन में जो कि उन्होंने अपने यहाँ मिल्क कलेक्शन सेंटर बना रखा है। वहाँ पर मिल्क कलेक्ट भी होती है और उसको चिलिंग यानी उसको ठंडा किया जाता है रायगंज में, और उसके अलावा क्या करते हैं, फिर वो मिल्क को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके बड़े शहरों और दूसरे टाउन्स में भेजते हैं। उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है वो है एन एग्ज़ाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पालमपुर में क्या होता है, चलिए देखते हैं। At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि manufacturing का काम पालमपुर में करते हैं। Unlike the manufacturing that takes place in the big factory in the towns and cities, manufacturing in Palampur involve very simple production method. शहरों में तो आपको पता ही है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी फैक्ट्री होती है और फिर क्या होता है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। लेकिन पालमपुर में बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड अपनाया गया है प्रोड्यूस करने के लिए, और जो प्रोडक्शन मेथड है वो बहुत ही स्मॉल स्केल में किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, ये ज़्यादातर घरों में होता है। इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, या फिर खेतों में होता है, सिर्फ घर परिवार के लोग ही इसमें मेहनत का काम करते हैं। रेयरली आर लेबर हायर्ड, इसमें शायद ही कभी किसी लेबर को रखा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड मैकेनिकल सुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मिश्री लाल जो हैं उन्होंने क्या किया है कि गन्ना पेरने वाली जो मशीन होती है, जिसे आप कभी गन्ने का जूस भी पीते हो, आप यहाँ वहाँ देखा होगा आपने, अभी गर्मी में बहुत जगह आपको स्टॉल मिलेगी जहाँ पर क्या करता है, सामने में ही आपके गन्ने का रस निकालता है। तो इन्होंने क्या किया है कि ऐसे ही एक मशीन खरीद ली है और जो कि बिजली से चलती है। एंड हैज़ सेट अप ऑन हिज फील्ड, और इसे उन्होंने अपने खेत में ही लगा लिया है।
सुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक। पहले क्या होता था कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता था मशीन को चलाने के लिए, गन्ना पेरने के लिए, है ना। गन्ना पेरने के लिए क्या किया था, बैल की मदद ली जाती थी। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन दीज डेज। लेकिन आजकल क्या है, चूँकि मशीन अवेलेबल है तो लोग अब मशीन से ही इस काम को करते हैं। मिश्री लाल ऑल्सो बाई सुगर केन फ्राम अदर फार्मर्स। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी उनका गन्ना खरीद लेते हैं एंड प्रोसेस इट इंटू जैगरी, और फिर उसकी प्रोसेसिंग कर लेते हैं और गुड़ बना लेते हैं। जैगरी कहते हैं गुड़ को। जैगरी इज़ देन सोल्ड इन टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। फिर क्या होता है, इन गुड़ को शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। और इस काम को करने में मिश्री लाल को थोड़ी सी कमाई हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। अब तीसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, वो है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि जो शॉप खोल रखा है लोगों ने गांव में वो। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के सामान का लेन देन करने में पालमपुर में। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाई वेरियस गुड्स फ्राम होल सेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। कुछ व्यापारी पालमपुर में ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, दुकान लगा रखी है और दुकानों के लिए वो अपना सामान होलसेल मार्केट में, शहर आकर होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और फिर उसे गांव में ले जाकर बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, सुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल एंड इवन सम क्लॉथ। और आप इस तरह के जनरल स्टोर गाँव में देख सकते हो जहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिनमें चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, तेल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ दुकानों में तो कपड़े भी मिलते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज द पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन ए स्मॉल शॉप, दे सेल ईटेबल्स। कुछ लोगों ने क्या किया है कि जिनका घर जो है वो बस स्टैंड के पास है, उन्होंने क्या किया है, अपने घर के ही कुछ हिस्से को दुकान की तरह बना दिया है और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। करीम हैज़ ओपेंड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। करीम ने क्या किया है, अपने गांव में एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोल लिया है। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। अब तो कुछ सालों में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा है तो वैसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो शाहपुर में कॉलेज में पढ़ते हैं। करीम फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्राम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेज इन द टाउन। करीम ने पाया कि इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस को भी शहर में ज्वाइन कर रखा है। देयर वर टू वेमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। गाँव में दो महिलाएँ ऐसी हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए डिग्री है। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। इसलिए करीम ने ये फैसला किया कि उन दोनों महिलाओं को अपने यहाँ वो जॉब दे देगा। और ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर खरीद लिया एंड सेट अप क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवर लुकिंग द मार्केट। और उसने अपने घर का के सामने वाले कमरे में जो मार्केट की साइड में है वहाँ पर उसने उस कंप्यूटर क्लास को खोल लिया है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब तो हाई स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जो है इनके कंप्यूटर सेंटर में पढ़ते हैं। अब फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है पालमपुर में वो है ट्रांसपोर्ट की। अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अब बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारी व्हीकल्स का इस्तेमाल, यानी कि वाहनों का इस्तेमाल सड़क पर पालमपुर से रायगंज जाने तक के लिए किया जाता है, जिसमें रिक्शा वाला है, तोंगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स हैं। पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट
ब्लॉक कार्ट चलाते हैं, बुग्गी है, अब तो आपको पता ही है ई रिक्शा वगैरह भी हो गया है जो अब हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इन सब में क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये देते हैं गांव के लोगों को। दे फेरी पीपल, इसमें तो कई वाहन ऐसी हैं जिसमें लोग आना जाना करते हैं, और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कुछ सामान हैं जिसमें आप सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और आपको इसके लिए किराया देना होता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, आजकल ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। किशोर इज़ अ फार्म लेबर लेबरर, किशोर जो है एक फार्म लेबर है। लाइक अदर सर्च लेबर, किशोर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब फार्म लेबर के रूप में काम करता है, स्वाभाविक है इतना पैसा तो उसको मिलता नहीं कि अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक, कुछ साल पहले किशोर ने बैंक से लोन लिया था। दिस वॉज अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, ये उस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लोन मिला था जिसमें सस्ते इंटरेस्ट रेट पर सस्ते में गरीब लैंडलेस लोगों को लोन दिया जाता था। किशोर बॉट अ बफेलो विद दिस मनी, जब उसने लोन लिया तो लोन लेकर उसने एक भैंस खरीद ली। ही नाउ सेल्स बफेलो मिल्क, अब वो क्या करता है अपने भैंस का दूध जो है बेचता है। फर्दर ही हैड अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू द बफेलो, और उसके बाद उसने क्या किया है अपने भैंस के पीछे एक बग्गी ये भी लगा दी है, गाड़ी भी लगा दी है, और यूजेज इट ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, और फिर इसको सामान इधर से उधर ले जाने में भी इस्तेमाल करता है। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग ब्लैक के क्ले फॉर द पॉटर, सप्ताह में एक दिन वो गंगा नदी के किनारे जाता है और वहाँ से काली मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है जिसको पॉटर्स जो होते हैं कुम्हार इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के लिए, वो मिट्टी लेकर आता है। और सम टाइम ही गोज टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी, कभी कभी वो शाहपुर भी जाता है अपने अपने बैलगाड़ी पर ये लेकर गुड़ लेकर, और अदर कम्युनिटीज़ या फिर और दूसरा कुछ देने के लिए शाहपुर ले जाने के लिए अगर उसको इसी सामान उसे मिल जाता है तो वो भी उसको लेकर जाता है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, इस तरह से हर महीने उसे ट्रांसपोर्ट के रूप में कुछ एक ट्रांसपोर्टर के रूप में कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है। एज अ रिजल्ट किशोर इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक, इसलिए अब किशोर की कमाई जो है पहले की तुलना में बढ़ गई है, यानी कुछ साल पहले उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जितनी आज होने लगी है, क्योंकि वेजेस के अलावा उसने अपना एडिशनल इनकम का एक साधन बना लिया है। तो आप देखिए, इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसको तो आप अच्छे से देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी कॉपी में। इसके अलावा क्या है, इसमें कई बातें जो हैं वो कॉमन सेंस की हैं, समझने की हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ वो ये कि कई बार क्वेश्चन तो फार्मिंग एक्टिविटी से आएगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से आएगा। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी पालमपुर में होती है, तो आप ऐसो तुरंत इन चार एक्टिविटी के नाम बताओगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में। जैसे ये डेयरी है, फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसके बाद शॉपकीपर्स है, और फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है। ये चार एक्टिविटी जो है आप हमेशा याद रखोगे। फार्मिंग यानी जो भी बात होगी खेती से संबंधित होगी, आप उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसी हिसाब से अपने आंसर लिखोगे। और अगर आपसे कहा जाएगी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में आप बताओ, तो आप इन्हीं चार एक्टिविटी के बारे में बताओगे। हो सकता है सेपरेटली आपसे पूछ लिया जाए कि डेयरी कौन सी एक्टिविटी होती है, डेयरी को आप कौन सी एक्टिविटी में रखोगे, या फिर शॉपकीपिंग या ट्रांसपोर्ट है ना, या मैन्युफैक्चरिंग को आप कौन सी एक्टिविटी में रखोगे, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है। आप ये मत समझना कि छोटी क्लासेस की तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल देकर फिर आपसे पूछेंगे कि इस एक्टिविटी को आप कौन से ग्रुप में रखोगे, फार्मिंग में रखोगे या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में रखोगे, है ना, या फिर ये कौन सी एक्टिविटी है आप बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हायर क्लास में आ रहे हैं आप, नाइन्थ क्लास में, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। पहले जब समझ में आ जाएगा आपको सारा चैप्टर, तो आप बहुत आसानी से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं जल्दी ही इसकी MCQ अपने इसमें लिस्ट में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट में, तब आप उसे भी देख सकेंगे। अभी मैंने जो पिछली बार आपका चैप्टर पूरा किया था पॉलिटिकल साइंस का, उसका भी एक दो दिन में MCQ डाल दूंगी। ठीक है, तो आप है सो अपनी MCQ की कॉपी बना लीजिए और उसमें एक कॉपी बनाइए MCQ की, उसमें हर चैप्टर वाइज सारे MCQ नोट डाउन करते रहिए। सिर्फ मेरी ही नहीं, कहीं से भी आपको मिल जाए, इवन बैक एक्सरसाइजेज जो बुक की है उसकी भी आप MCQ निकाल सकते हो और उसके आंसर आप लिख कर रखो, ताकि आपको आप एक नज़र उसके ऊपर डालते रहो, एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आंसर को रटने के लिए, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, है ना। और एक और सजेशन है मेरी, वो ये कि आप आदत डालो चैप्टर को पढ़ते रहने की, ताकि अब आप कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आए। टीचर्स कई बार चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे में आप कोशिश ये करो कि जब भी मौका मिले पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्ट वाइज पढ़ लो, जैसे मैंने आपको पार्ट वाइज पढ़ाया है ना, उसी तरह से आप पार्ट वाइज चैप्टर को पढ़ो। आज पहले एक पार्ट पढ़ लिया, फिर सेकेंड पढ़ लिया, फिर थर्ड पढ़ लिया, ऐसे करके आप पढ़ो और ध्यान रखो कि कौन से पार्ट में मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि SST में चार किताबें हैं और चारों किताबों पर आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, इन चारों किताबों के चैप्टर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और थैंक यू वेरी मच, और इसको आप लाइक भी कर देना और शेयर भी करना, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।